हाय गाइस, हमारे चैनल पे आपको स्वागत है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देखिए। थोड़ी सी मैदा, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी चीनी, उसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरह गून लेंगे। फिर थोड़ी सी ऑयल लेके, थोड़ी सी गून लेने के बाद ढक कर रख देंगे। चलो अब वेजिटेबल्स, क्या क्या वेजिटेबल्स देते हैं देखिए। थोड़ी सी ऑयल, थोड़ी सी लहसुन, देखिए कैप्सिकम, थोड़ी सी टमाटर और आप जो जो वेजिटेबल देना चाहते हैं देखिए। थोड़ी देर फ्राई कर लीजिए। अब थोड़ी सी नमक, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया, फिर इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। टमाटर बाद में देंगे क्योंकि गल जाएगा, इसलिए थोड़ी सी प्याज। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, फ्राई हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। हम चिकन का बना रहे तो हम चिकन भी फ्राई कर लिए। तो अब हमने जो डो बना के रखा था उसको अच्छी तरह बेल लेंगे। बेलने के बाद वो स्पून से हम थोड़ी सी छेद कर देंगे, ज़्यादा फूले नहीं। फिर हमने पिज़्ज़ा सॉस घर पे ही बना रखा था, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। फिर ये हमने घर पे चीज़ बनाई थी, उसको दे दिया। फिर हमने वेजिटेबल्स, चिकन साफ पिज़्ज़ा पे अच्छी तरह डेकोरेट कर दिया। अब हम ऊपर से चीज़ दे देंगे। हमने दो ही चीज़ यूज़ किया है इस पे। हम थोड़ी सी ऊपर से गरम मसाला दे देंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स दे देंगे। आप भी घर पर ट्राई कीजिए हमारा पिज़्ज़ा। अब हम कढ़ाई में पिज़्ज़ा को वो दे देंगे। आप देख सकते हो थोड़ी सी बाली, थोड़े एक स्टैंड देके हमने। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे लो फ्लेम देके। दोस्तों तो फाइनली हमारी पिज़्ज़ा तैयार हो गई। आप भी घर पे ट्राई कीजिए और खाइए।